हेलो दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे चैनल HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को लगातार प्रयास कर रहे हैं और बढ़िया बनाने का। मैं दोस्तों आप लोग को ये जो शिक्षा क्षेत्र से आप लोग को जोड़ा गया है, ये लगातार मैं आप लोग को जो वीडियो भेज रहा हूँ, आप लोग इस पर बने रहिए और आप लोग को मज़ा आएगा। आज मैं बेसिक का एक नया वीडियो लेके आया हूँ, आप लोग उसको देखेंगे और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। दोस्तों बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए एक कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो वो कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, दो होती है। अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है वो कितनी होती है, चार होती है। बात करें सबसे छोटी सम संख्या की, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक होती है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी लाता रहूँगा, बस आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। बस दोस्तों आप सभी लोगों को इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।